नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि DL के साथ आप किन किन देशों में कार चला सकते हैं, आपको आज हम 8 देशों के बारे में बताने वाले हैं जहां आप भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि DL के साथ कार चला सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी बात, आपको ड्राइविंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि भारत में ड्राइविंग सीट और स्टीयरिंग दाहिने तरफ होती है, लेकिन विदेशों में फॉरेन में ड्राइविंग सीट और ड्राइविंग स्टीयरिंग बाएं तरफ होती है। इसलिए आपको बाएं तरफ से गाड़ी चलाने का भी अनुभव होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। तो चलिए आपको 8 देशों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है अमेरिका। अमेरिका में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। इसके लिए आपका लाइसेंस वैध और अंग्रेजी में बना होना चाहिए। अगर वह अंग्रेजी में नहीं बना हो या वैध ना हो तो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हैं। इसके अलावा आपको एक फॉर्म I-94 की कापी की भी जरूरत होगी, जिसमें अमेरिका में आपके आने की तारीख लिखी होगी। भारत से अमेरिका की दूरी 13,568 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे आता है जर्मनी। भारत से जर्मनी घूमने आए लोग यहाँ 6 महीने तक इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ जब भी गाड़ी चलाए अपने साथ पूरे कागजात रखें। भारत से जर्मनी की दूरी 6,748 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पे आता है साउथ अफ्रीका। अमेरिका की तरह साउथ अफ्रीका में भी गाड़ी चलाने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैध और अंग्रेजी में होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी को रेंट पर लेने के लिए आपको अपना ये लाइसेंस दिखाना होगा। साथ ही आपके लाइसेंस पर आपकी फोटो और सिग्नेचर होना जरूरी है। भारत से साउथ अफ्रीका की दूरी 8,250 किलोमीटर है। चौथे नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। खूबसूरत एल्पस पहाड़ों से ढके पर्वतों, गांव, झीलों और चारागाह से भरे इस शहर में भी आप ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। यहां अपने भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए पूरे 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। भारत से स्विट्जरलैंड की दूरी 6,902 किलोमीटर है। पांचवें नंबर पे है नॉर्वे। बाकी शहरों की तरह यहाँ आपको सिर्फ 3 महीने के लिए गाड़ी चलाने की अनुमति मिलती है। भारत से नॉर्वे की दूरी 6,957 किलोमीटर है। छठे नंबर पे आता है न्यूजीलैंड। यहाँ गाड़ी चलाने के लिए 21 साल का होना जरूरी है। इसके अलावा आपका लाइसेंस अंग्रेजी में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको न्यूजीलैंड सरकार से इसे अंग्रेजी में करवाना होगा। भारत से न्यूजीलैंड की दूरी 11,963 किलोमीटर है। सत्रहवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया सभी जगह आपका इंडियन लाइसेंस वैध होगा, लेकिन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आपको सिर्फ 3 महीने ही गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा। भारत से ऑस्ट्रेलिया की दूरी 7,809 किलोमीटर है। सबसे लास्ट और 8वें नंबर पे आता है फ्रांस। यहाँ भी आप पूरे साल भारतीय लाइसेंस के साथ गाड़ी दौड़ा सकते हैं। बस इस लाइसेंस की फ्रेंच कापी आपको अपने साथ रखनी होगी। भारत से फ्रांस की दूरी 7,364 किलोमीटर है। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करते ही आपको एक घंटी दिखाई पड़ेगी, उस घंटी को दबाइए ताकि हमारी नई नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल मुफ्त होता है। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में किसी तरह की और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।